से शनि देव जी की मूर्ति है और ये सबसे मेन चौराहा है यहाँ का उज्जैन का, तीनबत्ती चौराहा इसे बोलते हैं, तीनबत्ती चौराहा। और इधर से ये मैं अभी इधर जा रहा हूँ नानाखेड़ा रोड पे, नानाखेड़ा रोड पे इधर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उनको देखते हैं जाके, कोई बता नहीं रहा हूँ। आप आगे आगे देखिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये है नानाखेड़ा चौराहा। सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और हिंदू आने जाने वाले के लिए सबसे बेस्ट यहीं पर यही रहता है। इसी बस स्टैंड से आपको इंदौर के लिए बसें मिलती है, एसटी इंदौर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोलू शुक्ला की बसें चलती है इंदौर के लिए, क्योंकि फेमस ही है भैया। ये शिप्रा ब्रिज है फ्रेंड्स, और इधर जस्ट इधर नीचे पड़ता है शनिदेव मंदिर। जा अकेले जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। अब फ्रेंड्स मेन रोड को छोड़ते हैं और नीचे उतरते हैं शनि मंदिर के लिए। और ये हम पहुँच गए हैं शनिदेव जी के मंदिर में। ये देखिए तेल वगैरह आपको दिख जाएगा, तेल की बोतलें मिलती हैं यहाँ पर, फूल प्रसादी भंडार सभी है। जय शनिदेव, अंदर चलते हैं यहाँ पर। ये देखिए कितना विशाल है मंदिर और यहाँ पर फैला हुआ है। गणेश जी श्री शनि महाराज श्री भैया शनिदेव, और वो वहाँ शनिदेव जी बैठे हैं। पता नहीं अंदर फोन ले जाना अलाव है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये शनिदेव जी का मंदिर है और उधर से यहाँ पर तेल आता है। वो देखिए ये शनिदेव जी की मूर्ति है और ये रहिया शनिदेव जी है। इस मंदिर के चारों ओर मूर्तियाँ बैठी हुई है। ये देखिए कितने छोटी सी शिवलिंग है, चाहे ग्रह हैं, सारे ग्रह हैं जिन पर शनिदेव जी की कृपा रहती है। ये शुक्र जी हैं, ये देखिए एक वहाँ अंदर बैठे हैं, वो देखिए आप वहाँ पर शिवलिंग, ये शिवलिंग है और ये यहाँ पर ये बैठे हुए हैं शनिदेव जी। गणेश जी भी है पास में और ये माता जी बैठे हैं और ये यहाँ पर भी शिवलिंग है। ये बहुत छोटे छोटे शिवलिंग हैं यहाँ पर, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि इतने छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये देखिए चंद्रमा, ये देखिए चंद्रमा है नंबर, और ये देखिए ये पृथ्वी है, ये देखिए राहुल देव जी, देखिए ये सामने भूमि में सेम चढ़ी हुई है। पता नहीं ऐसा इनके चढ़ता है या फिर ऐसा स्पेशल है। फ्रेंड देखिए, देख लिया आपने ऐसा कुछ दिखता है मंदिर, उधर से आते हैं। ये देखिए 84 महादेव मंदिर है उज्जैन में, तो ये हैं इतने सारे, आप पढ़ लीजिएगा रोक के वीडियो। ये देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ तेल चढ़ाया जाता है तेल की बोतल का, और यहाँ पर तेल ऐसे छन के जाता है उसमें चढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स इधर से आती है कान्हा नदी इंदौर से, और ये थोड़ी दूषित बहुत ज़्यादा है, तो ये सीधे आके यहाँ पर इसमें दूषित जल हो जाता है। और अभी संक्रांति आ रही है तो यहाँ पर स्नान करने लोग बहुत दूर दूर से आएंगे, तो वो देखिए आप वहाँ, वो देखिए वहाँ पर घाटों की सफाई हो रही है। अभी वहाँ भी चलेंगे और देख के देखेंगे कैसे सफाई हो रही है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ यही देखने आते हैं, तो ज़रूरी है कि साफ सफाई रखी जाए। और उज्जैन की एक अलग ही महिमा है लोगों के नज़र में कि एक पवित्र स्थल माना जाता है, तो उज्जैन म्यूनसिपालिटी भी बहुत ट्राई करती है अपना बेस्ट देने की। तो आप भी अगर कहीं से दूर से आते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर आकर स्वच्छता बनाए रखें और यहाँ उज्जैन को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करें। ये देखिए आप 15 तारीख को जब मकर संक्रांति है तब गुरुदेव की सवारी निकलेगी, तो अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो यहाँ पर 15 तारीख को जब। चलिए फ्रेंड्स अब त्रिवेणी घाट चलते हैं। बारिश हुई थी तो उस कारण पूरा कीचड़ घाटों पर आ गया था, तो घाटों को साफ करना ज़रूरी है। कितनी मेहनत करके इस घाटों को साफ किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ दिखता है शनि मंदिर, और आपको मैंने त्रिवेणी घाट भी दिखा दिया। तो चलिए मिलते हैं आप किसी अगले ब्लॉग में, टिल देन पीस। और एक आपसे रिक्वेस्ट है
ये प्लीज़ चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लिए मैं उज्जैन की पूरी सारी इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ।